बिग बॉस के घर से इस बार विकास गुप्ता एलिमिनेट हो गए हैं। मास्टरमाइंड के तौर पर जाने जाने वाले विकास को इस बार एलिमिनेशन से बचने के लिए उनके पास एक जोकर कार्ड भी था, जिसका इस्तेमाल वो इस एलिमिनेशन से बचने के लिए कर सकते थे, लेकिन ऑडियंस के कम वोटों के आधार पर विकास को एलिमिनेट किया गया था और वो ऑडियंस की मर्जी के अनुसार ही चलना चाहते थे। वहीं विकास गुप्ता ने घर से निकलते ही एक तस्वीर पोस्ट की है, जहां वो रश्मि देसाई और उनकी मां के साथ दिख रहे हैं, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि विकास के घर से निकलने के बाद रश्मि और उनकी मां ने विकास से मुलाकात की है। और अब इस तस्वीर पर अपनी सफाई देते हुए रश्मि ने एक इंटरव्यू में बताया है कि एक तो ये तस्वीर बहुत पुरानी है और दूसरी बात कि विकास के घर से निकलने के बाद वो अब तक उनसे नहीं मिली है और दूसरी बात कि विकास के घर से बाहर निकलने के बाद वो अब तक उनसे नहीं मिली है, बस फोन पर उनकी बात हुई है। रश्मि ने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो मुंबई में भी नहीं है, इसलिए विकास से मिलने की कोई बात ही नहीं हो सकती है। वहीं विकास के जोकर कार्ड ना यूज करने पर रश्मि ने बताया कि वो विकास के इस बार के इविक्शन पर न्यूट्रल है। इसके अलावा रश्मि ने बताया कि विकास अभी खुद की आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों का कर्ज है उन पर, जिसके लिए विकास को ढाढ़स देते हुए रश्मि ने समझाया कि सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी उनकी जिंदगी में भी ऐसा ही था, इसलिए विकास भी कोई ना कोई अपनी इस समस्या का हल ढूंढ ही लेगा। रश्मि ने अपनी इस बातचीत में ये भी क्लियर कर दिया कि विकास और उनकी एक मैच्योर फ्रेंडशिप है, जहां वो ज्यादा एक दूसरे की लाइफ में दखल नहीं देते हैं।